हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है हमारा BCA 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है HTML फॉर्म। स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो हम जो है HTML फॉर्म हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 और ये है हमारा 8। तो फॉर्म, HTML फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उस समय जो जितने भी कंट्रोल एलिमेंट और टैग जो यूज होते हैं फॉर्म के अंदर, वो सारे हमने जो है वो लेक्चर 1 से 7 में हमने कंप्लीट कर दिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग हमारा बचता है जिसका नाम है HTML फील्ड सेट। फील्ड सेट एक एलिमेंट टैग है जिसका हम यूज करते हैं जो है फॉर्म के अंदर। ये हमारा और बचता है, इसको हम आज इस लेक्चर 8 में जो टॉपिक है HTML फॉर्म उसमें स्टूडेंट हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर 9 आएगा जो कि HTML फॉर्म पे होगा, तो वो फाइनल लेक्चर होगा HTML फॉर्म का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा एक फॉर्म बनाएंगे और जितने भी टैग हमने यूज किए हैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक, उन सभी सारे टैग का हम यूज करेंगे उस एक इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वो हम समझेंगे लेक्चर 9 में। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक मॉस। और इससे पहले स्टूडेंट, जो हमने जो टैग कंप्लीट किया वो हमने सबमिट बटन का यूज किया था, लास्ट में सबमिट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट हमने जो है क्या नाम है चेक बॉक्स, उससे पहले फिर हमने रेडियो बटन, फिर बहुत सारे टैग का हमने यूज किया। और हम जो है आज फाइनल जो हमारा टैग है फील्ड सेट, इसका हम यूज कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टैग है जो कि HTML फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं, समझते हैं हमारा HTML फील्ड सेट एलिमेंट टैग क्या है। The field set element in HTML is used to group the related information. देखिए यहाँ पे बहुत important लिखा हुआ है, group the related information, जो हमारी related information है group के अंदर, उसको group करने के लिए हम use करते हैं हमारा field set element का। field set element जैसे suppose that student Visual Basic में जैसे हम जो है हम यूज करते थे, जैसे मान लो हमने कई सारे कंट्रोल्स लिए हैं, तो हम उस कंट्रोल्स को जो है हम एक फ्रेम में दिया करते थे भाई। तो हम फॉर्म पे शो कराते थे, फिर हम फ्रेम, तो फ्रेम जस्ट लाइक एज अ फील्ड सेट। ओके, ग्रुप द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूज टू ग्रुप द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्म, सभी जो हमारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ ग्रुपिंग करना, ये जो है वो फील्ड सेट का काम है। और स्टूडेंट इसमें हम जो है हम इसमें एक एलिमेंट का यूज करते हैं, दिस एलिमेंट इज यूज टू विद लीजेंड। लीजेंड वो एलिमेंट है विच प्रोवाइड कैप्शन फॉर द ग्रुप एलिमेंट, मतलब वो एक कैप्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे हम लेवल है, लेवल का अपना एक कैप्शन होता है कि भाई एंटर योर नेम लेवल का, वैसे ही क्या होता है कि मतलब जो हमारा ग्रुप एलिमेंट, जो हमारा ग्रुप एलिमेंट है फील्ड सेट है, उसका एक क्या नाम है हमारा कैप्शन होता है जिसका नाम होता है लीजेंड। तो लीजेंड वो एलिमेंट है जिसके द्वारा हम जो है उसकी हेडिंग, हम हेडिंग समझ सकते हैं कि हम जो है उसको टैग करते हैं कैप्शन में, जो भी हमें लिखना होता है वो हम लिखते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो लीजेंड एलिमेंट का यूज करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हम जो है जैसे लिखा है कि दिस एलिमेंट इज यूज्ड विद लीजेंड एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड कैप्शन फॉर ग्रुप्ड एलिमेंट। ग्रुप्ड एलिमेंट के लिए स्टूडेंट क्या करता है, हमारा कैप्शन प्रोवाइड कराता है। तो हम इसको एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने जो है HTML हेड बॉडी टैग का यूज नहीं किया, सीधे हमने फॉर्म टैग का यूज किया, फॉर्म ओपन किया, फॉर्म क्लोज किया। फील्ड सेट टैग फील्ड सेट एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, तो फील्ड सेट हमने ओपन किया, उसके बाद हम यूज करेंगे लीजेंड। जैसे मैंने आपको बताया क्या है, दिस एलिमेंट यूज विद लीजेंड एलिमेंट विल प्रोवाइड कैप्शन कैप्शन फॉर द ग्रुप्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो लीजेंड अभी हमने क्या चाहते हैं, यूजर इंफॉर्मेशन क्या लिख के, जितने भी हमारे आउटपुट आएंगे तो उन सभी आउटपुट्स को जैसे एंटर योर नेम, एंटर पासवर्ड, सबमिट, तो ये सारे क्या करेंगे, एक हम जो है उसको एक जो है ग्रुप, उसको हम ग्रुप कर देंगे। तो ग्रुप का जो कैप्शन होगा उसके लिए हम लीजेंड टैग का यूज करते हैं, लीजेंड एलिमेंट यूज करते हैं, लीजेंड, और बीच में हमने जो भी हम चाहते हैं लिखना, यूजर इंफॉर्मेशन, और हमने लीजेंड हमने जो है वो बंद कर दिया। फिर वही जो हम उससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लेबल का यूज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि लेबल टैग का यूज करते हैं। तो लेबल किसके लिए, नेम के लिए, तो लेबल फॉर नेम के लिए एंटर नेम यही लिख के आएगा आउटपुट में, और लेबल क्लोज बीआर। अब क्या है भाई, लेबल का करना होता है, लेबल का टाइप है आईडी है और उसका नेम है। तो इनपुट टाइप में क्या है, इस बात में नाम भरेंगे तो टैक्स भरेंगे, आईडी नेम होगी, और नेम में भी हम नेम रखेंगे, और बीआर मतलब ब्रेक द लाइन नेक्स्ट लाइन में। फिर हमारा है लेबल फॉर पास, जैसे पासवर्ड पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हमारा क्या होगा, पासवर्ड पे भी हमारा जो है एंटर पासवर्ड, ये जो है आउटपुट में शो होगा। लेबल क्लोज किया हमने, बीआर, नेक्स्ट लाइन में गए, इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, आईडी पास और नेम में, फिर हमने पास को एंटर कराया और बीआर।
ऐसे ही फिर हम सबमिट बटन जो कि हमने कल वाले लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, तो इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि इसमें दो ही होते हैं इनपुट टाइप और वैल्यू, ठीक है ना। हाँ इनपुट टाइप क्या होगा, सबमिट होगा और वैल्यूज की सबमिट होगी। और फिर हमने देखो यहाँ पे स्टूडेंट फील्ड सेट को हमने यहाँ ओपन किया और फील्ड सेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फॉर्म हमारा ओपन हुआ, फॉर्म हमने क्लोज कर दिया। तो इसमें जो इस स्टूडेंट हमारा जो फील्ड सेट है, इसमें जो समझने वाली बात ये है कि फील्ड सेट का हम हमारा ये ओपन टैग हुआ, ये क्लोज हुआ, और हमने जो है इसमें लीजेंड एलिमेंट का यूज करते हैं ताकि हम जितने भी एलिमेंट्स है उसको ग्रुप कर सकें और उसके कैप्शन में जो हम लिखना चाहते हैं वो आ सके। तो उसमें एक चीज समझने वाली ये है लीजेंड टैग का यूज कर, बाकी तो हम सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। इस लेक्चर में समझने वाली चीज है जब अब स्टूडेंट जब हम इसका जब हम इस प्रोग्राम को नोट पैड पर बनाएंगे और मान लो हमने इसको जो है सेव किया fieldset.html के नाम से और फिर जो है हम इसको रन कराएंगे, क्योंकि हम आपको पता है कि इसको हम जो है .html extension से सेव करते हैं नोट पैड पर, हम उसको बनाते हैं उसके बाद हम उसको सेव करेंगे इस फाइल पर डबल क्लिक करके, तो आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो हमारा एक तो मेन फॉर्म हो गया, ये मेन फॉर्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट है स्टूडेंट फील्ड सेट का, वो देखो जो हमने लीजेंड एलिमेंट यूज किया था उसमें देखो उसमें हमने क्या लिखा, यूजर इन्फॉर्मेशन लिखा था स्टूडेंट, तो यूजर इन्फॉर्मेशन आकर और इसको ग्रुप किया सभी एलिमेंट्स को जो है इसी फ्रेम के अंदर जो है ग्रुप किया, क्या था हमारा एंटर नेम एंटर पासवर्ड और सबमिट बटन, ठीक है। तो इन सबको क्या करते हैं ग्रुप कर दिया, वरना हम क्या हम देखते थे कि हमारा सिंगल फॉर्म पे ही हमारा था। अब इस तरीके से कि भाई ये क्या है, भाई ये है कि हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन है ये शो कर रहा है, ये जो चीजें सारे जो टैग जो सारे जो हमने टैग इनपुट दे रहे हैं क्या ये हमारे एक यूजर की इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। तो उसके लिए जो है स्टूडेंट एचटीएमएल में फील्ड सेट का यूज करते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमें इसकी हेडिंग आ जाएगी और इस तरीके से ये बॉक्स के अंदर सारे एलिमेंट इसमें बंद हो जाएंगे। तो इसमें लिखा भी है एचटीएमएल इज यूज टू ग्रुप द रिलेटेड द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, दिस एलिमेंट इज यूज विद लीजेंड एलिमेंट विच प्रोवाइड कैप्शन फॉर द ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हम एचटीएमएल फॉर्म में यूज करते हैं। तो जब हम इसका आउटपुट जब हम इसको कोड को रन कराएंगे तो ये आउटपुट हमें शो होगा, ठीक है सर। तो स्टूडेंट आज हमने फील्ड सेट हमने एलिमेंट जो है हमने आज कंप्लीट किया एचटीएमएल फॉर्म के अंदर, सारे टैग सारे एलिमेंट सारे कंट्रोल अब हम स्टूडेंट्स इस एचटीएमएल फॉर्म के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब हमारा लेक्चर 9 आएगा एचटीएमएल फॉर्म का, तो जितने भी हमने कंट्रोल एलिमेंट टैग हमने यूज किए हैं उन सभी का यूज करके हम फिर एक फाइनल एचटीएमएल फॉर्म बनाएंगे यूजर की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें, मैं हर लेक्चर में यही बताता हूं ताकि आपको लेक्चर ठीक से दिखाई दे, आप तो लेक्चर देखते समय अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस इतनी रखें जिससे आपकी आंखें खराब ना हो। दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें। तीसरा YouTube पर जो आपकी वीडियो क्वालिटी है उसको बेस्ट सेट करें, जैसे 360p या 480p जिसमें जो है आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे और उसको देख के आप अपने नोट बना सकें और टाइम पर सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।